घर में भी सबको पता चल जाता है कि सियोंगजो ने पारंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। सभी इस वजह से बहुत खुश होते हैं। मम्मी कहती है हनी और सियोंगजो एक ही कॉलेज में जाएगा, आप लोगों को नहीं लगता कि उनकी जोड़ी भगवान ने बनाया है। इधर जुंगू हनी के पापा के रेस्टोरेंट में पापा से जॉब के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो तो हनी के पापा के पैर भी पड़ जाता है लेकिन पापा तो बिल्कुल नहीं मानता। तभी रेस्टोरेंट में कुछ कस्टमर आ जाते हैं और जुंगू उनको अच्छे से अटेंड करता है, जिससे पापा उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे काम पे रख लेता है। इधर हनी एक स्टोर में सियोंजो के लिए गिफ्ट खरीदने जाती है लेकिन सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। हनी सोचती है कि उसके पास तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, तो अगर उसे कुछ खरीदनी है तब तो उसे जॉब करना होगा। इसलिए वो एक स्टोर में काम करने लगती है। स्टोर में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से हनी रोज रात लेट से घर आने लगती है। सियोंजो उससे कहता है तुम आजकल लेट से घर आ रही हो। ये कहती है क्यों, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। सियोंजो कहता है तुम्हारी नहीं मेरी मॉम की, तुम्हारे लिए वो सोती नहीं ताकि वो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सके। हनी कहती है पर मैं क्या करूं, और वहाँ पे ही सो जाती है। तो एक दिन हनी अपने स्टोर में काम कर रही थी, तभी वो देखती है इतने सारे स्टोर होने के बाद भी सियोंजो उसके स्टोर में आता है। ताकि वो सियोंजो के सामने पकड़ी ना जाए इसलिए वो अपने फेस को हुडी से कवर कर लेती है और इस वजह से उसे कुछ भी नहीं दिखती। सियोंजो जब बिलिंग करने के लिए आता है पहले तो वो इसे देख के थोड़ा सा डर जाता है, फिर अपने सामान का पैसा देता है। उसके बाद जब चेंज देने की बारी आती है हनी को तो कुछ भी नहीं दिख रही थी, इसलिए वो कहती है कि सर आप कैश बॉक्स से अपना चेंज ले लीजिए, और सियोंजो भी ऐसा ही करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। स्टोर ओनर ये सब कुछ देख लेता है और हनी पर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उसे काम से निकाल देता है। लेकिन हनी एक फूड डिलीवरी के काम ले लेती है और उसे सियोंजो के घर में फूड डिलीवरी करने जाना पड़ता है। इस पर भी वो अपने चेहरे को हुडी से कवर कर लेती है और सियोंजो को खाना डिलीवर करती है। उसके बाद मीना उसे कॉल करके कहती है जुरी किसी को नहीं मिल रही है, पता नहीं वो सुबह से कहाँ गायब हो गई है। हनी और मीना जुरी को हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो लोग उसे स्कूल में ढूंढने के लिए जाती है और देखती है कि जुरी क्लास में अपनी हेड डाउन करके बैठी हुई है। तो जुरी थोड़ी सी अपसेट है क्योंकि उसकी दो बेस्ट फ्रेंड कॉलेज जाने वाले हैं पर उसकी मार्क्स बहुत खराब है, ऊपर से उसे कोई काम आती भी नहीं है। ये दोनों उसे हेयर स्टाइलर बनने के लिए कहती है कि इस काम में जुरी तो बेस्ट है, जो बात जुरी को भी बहुत अच्छी लगती है। और वो तीनों एक साथ स्कूल के लास्ट डे एंजॉय करते है। तो जिस दिन उनका स्कूल ग्रेजुएशन डे होता है हनी सियोंजो को एक हेड मैसेजर गिफ्ट करती है। सियोंजो तो उसे लेने के लिए मना करके वहाँ से चला जाता है। मम्मी कहती है ये तो देखने में बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, तुम्हें इसके लिए पैसे कहाँ से मिले। हनी कहती है मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, और ये सब सियोंजो नीचे से सुन लेता है। फिर सभी स्टूडेंट ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहुंच जाते हैं। हनी और सियोंजो को एक साथ स्टेज में बुलाया जाता है। हनी तो हमेशा ही ज्यादा सोचती रहती है, तो वो सोचती है कि वो और सियोंजो शादी करने के लिए स्टेज पे जा रहे हैं। पर जब उसकी सपना टूटती है वो जल्दी से स्टेज से नीचे आने की कोशिश करती है पर जल्दबाजी करने की वजह से उसकी एक पैर मुड़ जाती है और वो सियोंजो के ऊपर आके गिरती है, जो देख के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हंसने लगते है। हनी तो बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है पर मम्मी कहती है अरे कोई बात, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। फिर वो लोग बाहर आती है। बाहर सभी लड़कियां सियोंजो के साथ फोटो खिंचाने की कोशिश करती है, सियोंजो किसी के साथ भी पिक नहीं लेता, जांगमी के साथ भी नहीं। मम्मी हनी को सियोंजो के पास जबरदस्ती भेजती है क्योंकि उन्हें उन दोनों का एक फोटो खींचना है। सियोंजो कहते हैं कि तुम्हें भी मेरे साथ फोटो लेना है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ फोटो लूं। हनी कहती है नहीं रहने दो, और वहाँ से जाने लगती है। पर सियोंजो उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है और अपने मम्मी को कहती है कि अब ठीक है। ये देख के ये तीनों तो बहुत खुश होती है और जांगमी तो ये देख के बेहोश हो जाती है। सियोंजो को पता चल गया है कि वो गुडी वाले यही है, इसलिए वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है सर अब यहाँ से चेंज ले लीजिए। हनी ये सुन के उसके तरह मुड़ती है, तभी मम्मी फोटो खींच लेती है। क्या आपको कुछ समझ में आया कि सब लड़कियों को छोड़ के सियोंजो ने हनी के साथ क्यों फोटो लिया। रात में सभी स्टूडेंट मिलके एंजॉय करते हैं। जुंगू हनी के लिए एक सॉन्ग गाता है। इधर रेस्टोरेंट में इतना ज्यादा कस्टमर आ गया था, हनी के पापा को जुंगू को वहाँ पे बुलाना पड़ा, इसलिए जुंगू अपने ग्रुप के साथ यहाँ से चला जाता है। हनी की टीचर कहती है कितनी गर्व की बात है कि हनी जैसे स्टूडेंट पारा यूनिवर्सिटी में जा रही है। सियोंजो का टीचर कहता है तब तो बहुत ही दुख की बात है कि सियोंजो जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी पारा
पारा यूनिवर्सिटी में जा रहा है। सेंजू कहता है, मैंने कितनी बार कहा कि मैं हनी के लिए पारा यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ये तो मेरे लिए इंसल्ट है। ऐसी बेवकूफ लड़की भी उसी कॉलेज में जा रही है। हनी कहती है, तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम पैदा स्मार्ट हुए हो, इसलिए तुम मेहनत नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट करोगे, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। सेंजू कहता है, अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? तुम्हारी किताब में तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है, क्या इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाती थी? हनी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, बात जब इतनी आगे बढ़ चुकी है तो मैं भी सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और सेंजू के बचपन के उस फोटो को सबको दिखाती है जिसमें वो लड़कियों के कपड़े पहना हुआ था। सेंजू उसे रोकता है और खींच के दूसरी जगह लेके जाता है। हनी कहती है, सबके सामने मेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया तुमने, इसलिए मैंने बस बदला लिया। अब हिसाब बराबर, इसके बाद तुमसे और प्यार नहीं करूंगी। ये कहता है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हनी कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊंगी। ग्रेजुएशन के साथ साथ मेरा प्यार भी खत्म हुआ, कॉलेज जाके किसी नए लड़के को डेट करूंगी। सेंजू कहता है, तो फिर कोशिश करते रहो, और उसे अचानक किस कर देता है। इससे हनी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मेरे ख्याल से सेंजू चाहता ही नहीं कि हनी उसे भूल जाए। कुछ दिन बाद इन दोनों का कॉलेज जाने का दिन आ जाता है। दोनों रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। मम्मी सेंजू को कहती है ताकि वो हनी को साथ लेके जाए, पर सेंजू अकेला ही चला जाता है। कॉलेज जाके हनी सोचती है, अगर एक साथ आना ही नहीं था तो एक ही कॉलेज में आया क्यों? उसके बाद उसके दो फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है, तो तीनों युवा पे थोड़ा सा सर सबर के आई थी, इसलिए सभी एक दूसरे की तारीफ करने लगती है। तभी देखते हैं कि कॉरिडोर में एक लड़का और लड़की किस कर रही है, जो देख के हनी शर्मा जाती है और इन दोनों को उस किस के बारे में कह देती है, जो सुन के ये दोनों तो बहुत खुश होते हैं। मीना कहती है, तब तो अब तुम दोनों कपल हो। हनी कहती है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रही है। फिर हनी उन दोनों के साथ सेंजू से मिलने के लिए आती है, तो सेंजू उसे वहाँ पे देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हनी कहती है, मैं तो बस तुम्हारा क्लास देखने के लिए आई थी। इन दोनों को इतना नॉर्मली बात करते हुए देख के ये दोनों कहती है कि सच में इन दोनों ने किस की है। तभी क्लास के अंदर से एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर आती है, जिसकी नाम यून हेरा है। वो सेंजू से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सेंजू कहता है, बिल्कुल नहीं, और वहाँ से चला जाता है। तो हेरा को सेंजू के पास देख के घर में हनी सेंजू से पूछती है, वो लड़की कौन है? सेंजू कहता है, वो मेरे क्लास में पढ़ती है और वो यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम की सेकेंड टॉप स्टूडेंट है। हनी कहती है, और तुम फर्स्ट है ना, तो इतनी यूनिवर्सिटी छोड़ के वो पारंगी क्यों आई? सेंजू कहता है, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? जलन तो होगी, आखिर हम दोनों ने किस चुकी किया था? और उसकी मजाक उड़ा के वहाँ से चला जाता है। हनी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, रूम के अंदर आके कहती है कि इसके लिए वो किस बस एक मजाक था, और आके वो ये सारी बातें अपनी दोस्तों को बताती है, और वो दोनों भी इसके लिए बहुत परेशान होती है। जूरी कहती है कि उसे इस कॉलेज के सामने एक पार्लर में जॉब मिली है, और ये सुन के ये दोनों उसके लिए बहुत खुश होती है। उसके बाद मीना भी अपने डिपार्टमेंट की फ्रेशर्स पार्टी में चली जाती है, इसलिए हनी को अकेले ही कैंटीन में जाना पड़ता है। तो कैंटीन में सेंजू भी था, वो जो जो खाना अपने लिए ऑर्डर करता है ये भी वही ऑर्डर करती है। कैंटीन के स्टाफ हनी के प्लेट को बहुत अच्छे से सजा के देता है, और सेंजू का बहुत बिगाड़ करके वो स्टाफ और कोई नहीं जुंगू है। उसे यहाँ पे देख के दोनों ही शॉक हो जाती है। जुंगू इन दोनों पर नजर रखने के लिए कॉलेज कैंटीन में काम कर रहा है, ऊपर से उसे बहुत सारा पैसा कमाना है क्योंकि वो हनी से शादी करना चाहता है। हनी कहती है, तुम यहाँ पे कैसे? तुम तो मेरे पापा के रेस्टोरेंट में काम करते हो ना? जुंगू कहता है, मैं रात में वहाँ पे और दिन में यहाँ पे काम करता हूँ। ये पता होते हुए भी कि तुम सेंजू के साथ सेम कॉलेज में आ रहे हो, मैं कैसे चुपचाप बैठ सकता था? क्यों सेंजू, चौंक गया ना? सेंजू कहता है, सच में मैं चौंक गया, पर कब तक तुम एक लड़की के पीछे पीछे भागते रहोगे? जुंगू कहता है, तुम नहीं समझोगे, इसे प्यार कहते हैं। तो सेंजू का प्लेट और एक स्टाफ ठीक करवा देता है, तो दोनों एक ही टेबल में बैठ नहीं जाते हैं। तभी सेंजू का कुछ दोस्त उसे बुला लेता है और हनी को अकेले ही खाना पड़ता है। खाना खत्म होने के बाद वो जब बाहर आती है, वो देखती है कि सेंजू किसी से बात कर रहा है, इसलिए वो छुप छुप के उनकी बातें सुनने लगती है। वो आदमी सेंजू को उसका क्लब ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने के बाद सेंजू मान जाता है। तो उनके जाने के बाद हनी उससे पूछती है कि ये किस तरह का क्लब है। सेंजू कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, वरना तुम वहाँ पे भी मेरे पीछे पीछे आ जाओगी, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हनी सच में उसके पीछे पीछे उस क्लब रूम तक पहुँच जाती है, और पता चलता है कि वो तो टेनिस क्लब रूम है, वहाँ पे हेरा भी होती है।
तो वो इससे पूछती है कि क्या तुमने कभी टेनिस खेली है। अनी कहती है नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोशिश नहीं की, पर मैंने बैडमिंटन खेली है। असल में दोनों ही एक दूसरे को वहाँ पे देख के जेलस हो जाती है। फिर ये आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो इस टेनिस क्लब का प्रेसिडेंट है और उसका नाम है कांग, जो कि सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। और वो हनी की तारीफ करता है क्योंकि कि पहली बार कोई लड़की अपने से इस क्लब में ज्वाइन होने के लिए आई है। और वो सियनजो और हेरा का भी तारीफ करता है कि ये दोनों एकेडमिक में टॉप होने के साथ साथ टेनिस में भी टॉप प्लेयर है। कांग हेरा को पसंद करता है, पर हेरा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। नेक्स्ट डे से भी प्ले ग्राउंड में पहुँचती है। कांग वैसे तो बहुत ही हंसमुख इंसान है, पर रैकेट हाथ में आने के बाद वो बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है। तब उसके सामने कोई भी आए वो किसी को भी नहीं छोड़ता, सभी का एबिलिटी राउंड शुरू होता है, इसलिए वो सबके साथ बारी बारी में खेल रहा था। पर वो जब सियोनजो के साथ खेलता है वो हार जाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद खेलने आती है हनी। हनी कहती भी है कि मैं पहली बार खेल रही हूँ, इसलिए थोड़ा धीरे से मारना। पर कांग बॉल को इतनी जोर से मारता है हनी के नाक पे लग जाती है और ये बेहोश हो जाती है।